जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बढ़ते मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल में उद्यमियों के लिए सत्संग का आयोजन किया गया। आज का कारोबारी जीवन हो या सामान्य घरेलू माहौल, जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में तनाव ने घर कर लिया है। इसी क्रम में कारोबारी व उद्यमी जगत के लोग तो कुछ ज्यादा ही तनाव लेते दिख जाते हैं। इसके साथ ही वर्तमान के प्रदूषण भरे माहौल ने तो तनाव में और इजाफा करने का कार्य किया है। आज जहां तहां लोग हताश, परेशान और चिंतित नजर आते हैं। जानकारों की माने तो तनाव से दूर होने का एक अच्छा रास्ता अध्यात्म है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में उद्यमियों के लिए ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रानीबाग एवं सरस्वती विहार सेंटर की दीदियों का सत्संग आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में उद्यमियों ने भाग लिया। इंडस्ट्रियल एरिया के सरोज देवी, अशोक कुमार सेवमानी, अरविंद महेश्वरी द्वारा आयोजित सत्संग में ब्रह्मा कुमारी से सरला देवी, रजनी दीदी, सुषमा दीदी, विमला दीदी ने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हुए तनाव से दूर रहने के उपाय बताए। इस दौरान अतिथि के रूप में मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान राजेंद्र मित्तल मौजूद रहे। वहीं सत्संग कार्यक्रम में धर्मवीर विमला, ओम प्रकाश जैन, दीपक अरोरा, अमित राणा, रविंद्र सोलंकी, अनूप महेश्वरी, अशोक करनानी, अशोक सेतिया व अन्य लोग मौजूद थे। बढ़ता जाता है जो जो दवा हुई, तो सुख शांति तभी जीवन के अंदर आएगी या घर गृहस्थ के अंदर आएगी जब आप अपना नाता उस परमात्मा के साथ, जो सुख शांति का सागर है, उसके साथ जोड़ेंगे। इसलिए हम तो सिर्फ आपको यही कहने के लिए आए हैं कि 24 घंटे हैं, है ना, 24 घंटे सबके पास। और हमने भगवान के आगे क्या कहा, एक घड़ी, आधी से पुन आध। व्यापारी वर्गों के बीच में, आप देसी लोगों के बीच में क्या क्या बातें हुई और क्या? व्यापारियों को यही मुख्य बात बताई गई कि आप यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं, यहाँ के लिए कमाई कर रहे हैं, लेकिन भविष्य अपने पारलौकिक जीवन के लिए आप क्या कमाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कमाई आप कर रहे हैं, ये कमाई आपकी यहाँ की यहाँ ही रह जानी है। लेकिन जो कमाई आपके साथ चलने वाली है, आप उस कमाई के ऊपर भी ध्यान दें। दूसरा, व्यापारियों को मैथ्स की इक्वेशन बताई गई कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि जो कर्म आपको करना चाहिए, अगर आप वो कर्म करते हैं तभी आप सुखी रह सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि जो कर्म आपको नहीं करना चाहिए वो आप नहीं करते तो भी आप सुखी रह सकते हैं। और तीसरी इक्वेशन है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, कि जो कर्म आपको नहीं करना चाहिए अगर आप वो कर्म करते हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। तो अध्यात्म हमको यही सिखाता है कि जो कर्म हमें करना चाहिए, अगर हम वही कर्म हम करते हैं तो हम अपने जीवन में सदा सुखी रह सकते हैं। तो हमें अगर अच्छा व्यापार करना है, सच्चा व्यापार करना है, तो उसके लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा मन शांत रहेगा तभी व्यापार अच्छा हो सकता है। हम तभी कस्टमर के साथ जो डीलिंग हमारी होनी चाहिए शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, तभी वो हो सकती है। आजकल के लोग तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तनाव को मुक्त करने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है जो आज तक हम भक्ति में गाते आए कि तन मन धन सब तेरा। तो जो प्रभु का दिया हुआ है, अगर उसको प्रभु की अमानत समझ के चलेंगे अष्टावक्र के समान, तो हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। हम भक्ति में आज तक गीत गाते आए थे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो ब्रह्मा कुमारी यही बताते हैं कि जो आपने आज तक भक्ति मार्ग में गाया, अब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देना है आपने। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देने से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे और उनके साथ हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन में पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक मूल्य होने बहुत ज़रूरी हैं। WHO की तरफ से भी स्वास्थ्य की पूर्ण परिभाषा है जिसमें स्पिरिचुअलिटी को मुख्य माना गया है। तो आध्यात्मिकता के बिना हमारा जीवन पूरी तरह से सुख और शांति से परिपूर्ण नहीं हो सकता,
इसलिए आध्यात्मिकता अर्थात अपना अध्ययन करना और अपने सेल्फ को रियलाइज़ करना और अपने सेल्फ के गुणों को और शक्तियों को एक्टिवेट करके उनको जीवन में यूज़ करना, ताकि हमारा जीवन सुख से, शांति से, प्रेम से, खुशी से और आनंद से भरपूर रहे। और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी हम पूरी तरह से खुशी और शांति का अनुभव करते रहें। आज इस ओम शांति, मैं डॉक्टर सुहानी महेश्वरी, डेंटिस्ट। 4 साल से मैं ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड हूँ और मैंने चंडीगढ़ में ज्ञान लिया था। ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, इतना प्यारा एक्सपीरियंस है। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डेंटिस्ट की अपनी पेरियोडोंटिक्स करने चंडीगढ़ गई थी। इतना टफ टाइम था, इतने सारे काम एक साथ, मेरा थीसिस बहुत टफ था, उसके लिए मुझे PGI जाना होता था हर सुबह और दोपहर में पेशेंट्स लाके उनका काम करना होता था, शाम को लैब में टेस्टिंग। तो ओवरऑल तब ऐसा था मेरी लाइफ में कि सिचुएशंस बड़ी थी और मैं छोटी पढ़ रही थी। और एक दिन मैं चलती फिरती बाबा के घर पहुंच गई मेरी एक सीनियर के साथ, और वो दिन और आज का दिन, वो सिचुएशंस अब सब यहाँ हो गई हैं और मैं वहाँ। वो सिर्फ और सिर्फ क्यों, मेरे पास एक लाइन है कहने के लिए, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। तो जब से भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, उनका हाथ मेरे हाथ में है, उनका हाथ मेरे सर पे है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आराम से सॉल्व हो जाती है। एक बहुत सिंपल सा फंडा है, प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, हम या तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें या सॉल्यूशन के बारे में। तो अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हमें सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, और लाइफ अपने आप इजी होती रहेगी और अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो जिसको भी स्ट्रेस है, जिसको भी प्रॉब्लम है और जिसको भी खुशी चाहिए, एवरीबडी गो एंड डू विराज योगा मेडिटेशन। कुछ नहीं है, हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव एंगल से कैसे देखना है हम वो सीख जाएंगे। बस ओम शांति, थैंक यू। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है। आज ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी जी का जो है हमें निमंत्रण मिला और उनके आशीर्वचन जो हमने सुने, बड़े संक्षेप शब्दों में जो उन्होंने हमें जीवन का ज्ञान बताया, वो शायद हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये सब जो है हमारे अशोक सोमानी जी की कृपा से हो पाया है। और मैं कहता हूँ कि इस तरीके के आयोजन जो है हमेशा होने चाहिए और इससे हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भी जो जानकारी इन्होंने दी है वो हमें किसी को पता नहीं है, सबको पता है पर हमें याद नहीं है। तो हमें हनुमान जी को भी अपनी शक्ति उसको याद दिलानी पड़ी थी कि भी वो जो है उनके अंदर ये सब शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग सबको जानते हुए भी भूले बैठे हुए हैं, और इस प्रकार के आयोजन में आने से हम लोगों को जो अपनी भूली हुई चीज़ें हैं वो हमें याद आ जाती हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत सुंदर चीज़ें इन्होंने बताई, जो चीज़ हमें छोड़ के जानी है वो हम जोड़े जा रहे हैं, जो जोड़ना चाहिए वो हम छोड़े जा रहे हैं, और जीवन के जो सूत्र इन्होंने बताए फंटेस्टिक। मतलब मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट्स होते हुए जो इन्होंने प्लस माइनस के जो बताया कि अभी प्लस 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 है, क्योंकि जो हमें करना चाहिए वो हम अगर कर रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। और जैसा कि नेगेटिव के बारे में बताया, नेगेटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, जो हमें नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर रहे वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और तीसरा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, जो हमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव। बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की, इसके लिए हम ब्रह्म कुमारी जी प्रजापति के आभारी हैं। आज वो हमारी शरीर में आए और इस प्रकार का हमें ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमानी जी, किस तरह का आयोजन किया गया आपके मंगोलपुरी एरिया में? मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू में हमने ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में अपनी सेंटर की दीदियों को बुलाया और परमात्मा का, आत्मा का परिचय कराया। जीवन में हमें कमाना क्या है, हम कमा क्या रहे हैं, हमें पाना क्या है, हम किस चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पाना है उसको कमा नहीं पा रहे हम लोग,
और जो हमारे साथ नहीं जाना उसको हम कमाने का प्रयास करते रहते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो सब तक पहुँचें, क्योंकि अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ है तो मैं ऋणी हूँ। मैं तब तक ऋणी हूँ जब तक उस ऋण को उतारने के लिए मैं अपने जैसे किसी व्यक्ति को जिसको वैसी ही प्यास है वहाँ तक मैं जो है ना पहुँचा दूँ। अगर मैं उस ज्ञान के मार्ग पर जो मुझे मिला है मैं वहाँ तक किसी भाई बहन को, नए भाई बहन को पहुँचा देता हूँ और वो उस ज्ञान को समझ लेता है तो मैं उस ऋण से उऋण हो जाता हूँ। तो मैं चाहूँगा सभी इस ज्ञान को सुने, समझें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने परिवार को सुंदर बनाएं, आने वाले कल को सुंदर बनाएं, आने वाला कल सुंदर निश्चित रूप से उनका हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।